तो आज हम बात कर लेते हैं श्रीकांत त्यागी की। नोएडा की घटना 5 तारीख को हुई, उसके बाद वीडियो वायरल हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, मेरठ में गिरफ्तारी हुई। अब कुछ लोग लगातार टीवी चैनल पर चला रहे हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनके संबंध थे, या फिर ये कह सकते हैं कि भाजपा के बहुत बड़े नेता थे। कुछ लोग चला रहे हैं कि भाजपा से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, खामखा भाजपा पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि इस इंसान को कुछ लोग बचा रहे हैं और इस इंसान को कुछ लोग खराब बता रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। आप किसी एक मेंबर के नाम पर पूरी पार्टी को कैसे बदनाम कर सकते हैं? किस तरह का ये ड्रामा चल रहा है आप टीआरपी में देख सकते हैं। टीआरपी के खातिर इंसान कुछ भी चला ले, हो सकता है कि आपको जो दिख रहा हो वो हकीकत में ना हो। फिलहाल तो जो महिला के साथ हुआ उसकी क्लिप और आई है, जरा एक क्लिप देखिए। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई, पूरी ये हाँ पूरी। तुम मालिक है यहाँ की? क्लिप आपने देखी। आप क्लिप देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा कि ये किसी भी पार्टी का है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये बड़े से पार्टी का बड़ा मेंबर क्यों ना हो, पर जो इसने शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत है, किसी भी पार्टी की तरफ से हो। भाजपा सरकार लगातार तंज भी कस रही थी इस पे कि हमारे पार्टी के मेंबर नहीं है, अगर होते भी तो शायद कुछ ना कुछ बचाव का घेरा आता, पर किसी भी इंसान ने या किसी भी राजनेता ने इनका बचाव नहीं किया। फिलहाल तो इनकी पत्नी के बयान लगातार आ रहे होंगे, पर वीडियो में जो साफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया ना, आप समझ सकते हैं कि किस तरह अकड़ के साथ इन्होंने बोला कि सामने वाला कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। पावर तो होगी, बिना पावर के तो बोल नहीं पा रहे थे। अब किसकी पावर है भगवान जाने, और ये खुद श्रीकांत जाने। फिलहाल तो आप समझ सकते हैं कि हाल ही में इन्होंने एक और बयान दिया कि मेरी बहन जैसी है। अब बहन के साथ अगर ऐसा वारदात करेंगे तो शायद पुलिस तो नहीं, कोई भी इंसान ना छोड़े। एक सवाल ये आ रहा है मन में कि कुछ लोग क्यों इन्हें बचा रहे हैं, कुछ लोग क्यों इन्हें भाजपा पार्टी से तोल रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जब बयां करती हैं तो अपने आप सच्चाई उगल देती हैं, पर हमेशा तस्वीरें हमेशा सच नहीं होती हैं। आप किसी के साथ भी फोटो खिंचवा लीजिए, फिर बाद में कह दीजिए मेरे तो इनके साथ डायरेक्ट जान पहचान है इसलिए तस्वीर खिंचवाई। हो सकता है कल को आप अक्षय कुमार ऐश्वर्या राय के साथ फोटो खिंचवाएं और कहें कि मेरे तो डायरेक्ट इनके घर के साथ उठ बैठ है। जरूरी नहीं है कि तस्वीरों में हर चीज यकीन कर ली जाए, पर जिस तरह बदनामी की जा रही है भाजपा सरकार की, उस पर क्या सोच है? मैं एक बात और रख देता हूँ सामने। मान लीजिए आपकी तरफ से कि भाजपा पार्टी के मेंबर ही हैं, पर क्यों जो इन्होंने शब्द बोला क्या वो ठीक है? जी नहीं, किसी भी पार्टी के मेंबर क्यों ना हो, जो शब्द गलत है गलत है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई बिल्कुल सही हुई। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह ये कार्य किया है, इतनी सख्ती से काम कंटिन्यू करती रहेगी, तो यकीन माने आने वाले समय में ना उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा पूरी तरह। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के साथ कि श्रीकांत त्यागी वाकई भाजपा के नेता हैं कि नहीं, अपनी राय जरूर भेजें। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे औतम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।